हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो हम हर साल जन्माष्टमी पर कृष्णा जी के भोग के लिए बनाते हैं। सूखा धनिया का प्रसाद बनाना इतना आसान है कि ये झटपट तैयार हो जाता है और ये खाने में भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और साथ ही मेरी और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहिए। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सूखा धनिया का प्रसाद बनाने के लिए हमें चाहिए एक बॉल धनिया, आधा बॉल पिसी हुई चीनी, दो चम्मच घी और एक केला। अब हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और उसमें घी डालेंगे। घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। हमारा घी अब गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें हमारा सूखा धनिया डालेंगे और एक करछी की मदद से अच्छी तरह से इसको घी के साथ मिक्स कर लेंगे। इसको लगातार चलाते रहेंगे। इसको हमें तब तक चलाना है जब तक कि हमारा धनिया अच्छी तरह से भुन ना जाए। हमारा धनिया अब अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, हल्का सा ब्राउन नज़र आने लग गया है और इसकी महक भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। अच्छी तरह से चलाते हुए पिसी हुई चीनी को इसमें मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम अपना गैस भी टर्न ऑफ कर देंगे। अच्छी तरह से धनिया और चीनी को मिक्स कर लेंगे ताकि जो उसमें कोई लम्स ना रहे। मैंने यहाँ पे कोई ड्राई फ्रूट्स यूज़ नहीं किए हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं तो आप इसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बादाम, काजू, किशमिश डाल सकते हैं। हम इसे प्लेन खाना ही पसंद करते हैं तो हम इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रहे हैं। प्रसाद तैयार हो चुका है। कृष्णा जी को भोग लगाने के लिए इसको हम केले के साथ भोग लगाएंगे, क्योंकि ये केले के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, बाय।